हे गाइस, वेलकम टू ट्रेक ट्रैकिंग। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ किया जाता है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिना टैप ओपन करने के बाद आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए। मैं प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ। सो ये मेरा प्रोडक्ट है। चलिए अब बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पे आपको यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक रहेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर, ये जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब यहाँ पे आएगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन तब आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नजर आएगा कि पे बाय 5 जून, मतलब आप जिस तारीख को भी खरीद रहे उसके आने वाले 5 तारीख को, आप कुछ 5 तारीख से पहले आपको पे करना है। ठीक है, आपको इसका फ्लिपकार्ट पे लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देना है। ओके, तब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और इसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि अगले वीडियो में कि कैसे आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। आप ऑनलाइन मोड से आपको ये पे करने होगा जब 5 तारीख को। सो आप कैसे पे कर सकते हैं, वो बहुत सारे पेमेंट मेथड है, पेटीएम है, UPI है, मतलब बहुत सारे, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक्स।